नमस्कार, दिन भर के ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा ब्रह्मलोक धाम में गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस मौके पर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया और साथ ही स्वास्थ्य जाँच शिविर का भी आयोजन किया गया। सरायकेला पुलिस ने 24 घंटे में ही किया चोरी के मामले का उद्भेदन, आरोपी गिरफ्तार। कृषि उत्पादन बाजार समिति में खड़ी ट्रक के पिछले हिस्से में लगी आग, मची अफरा तफरी। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री जी का शुभ जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से ब्रह्मलोक धाम कदमा में मनाया गया। इस मौके पर ब्रह्मलोक धाम में प्रसाद का वितरण किया गया, नर नारायण के बीच कंबल का वितरण किया गया और साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद शास्त्री जी का शुभ जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से ब्रह्मलोक धाम कदमा में मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में सामूहिक आरती के साथ हुआ। इसमें शहर और बाहर से आए उनके 500 से 600 शिष्यों ने भाग लिया। ब्रह्मलोक धाम में सुबह से रात तक प्रसाद का वितरण किया गया। संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें शुभाशीष भादुड़ी एवं उनकी टीम ने योगा तथा नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन ब्रह्मानंद शिक्षायतन के रंगारंग डांस के साथ हुआ। इसी मौके पर ब्रह्मानंद सेवा सदन एवं पूर्णिमा नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार 25 अक्टूबर को अभिनंदन होटल के सामने माताश्री आश्रम में एक मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मैनेजिंग ट्रस्टी ब्रह्मानंद सेवा सदन श्री मनोबिंदु भट्टाचार्य जी ने दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में करीब 245 मरीजों की निःशुल्क जाँच की गई जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन एवं नेत्र की जाँच की गई। शिविर में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर ML अली, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश कुमार, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर वरुण चंद्रा, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय अग्रवाल, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजीत कुमार एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम कुमारी ने मरीजों की जांच की। शिविर में सभी मरीजों को निःशुल्क दवा दी गई। शिविर में चयनित 100 नेत्र रोगियों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा एवं शिविर में चयनित 10 हृदय रोगियों की निःशुल्क एंजियोग्राफी एवं एक मरीज की एंजियोप्लास्टी की जाएगी। जन सेवा के लिए संबंधित कार्यक्रम होता है, कभी सुदूर बिहार में प्रयोग लगता है, कभी शहर इलाका में सलेम बस्ती में लगता है, जैसे हाथों में लगा। कई बार हम लोग सालपुरी के आसपास भी कैंप को लगाया, कुटंबा भी लगता है। तो ये रक्तदान शिविर महादान शिविर है, महापुरुष की जयंती पर लगाना ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो सबसे पहले उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनका जीवन एक एक पल पल जो है मानव सेवा के लिए समर्पित थे और दुर्भिष्ट पुरुष थे और लगातार जीवन में एक समाज को संदेश देने का काम किया और जिनकी प्रेरणा से लेकर अगर देखिए इतने सारे भक्तजन, बहुत सारे परिवार इसमें जुड़े हैं। एक लंबी समय से उनको गुरु के रूप में सब लोग मानते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उसके एक एक पल बताए हुए जो भी चीज़ है आज हम लोग के जीवन में है और उनके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चलते ही हम लोग बेहतर जीवन यापन के साथ साथ समाज के लिए भी बेहतर काम कर सकेंगे। तो हमारे दादा बेहतर ढंग से इनको चला रहे, पूरे संस्था को, पूरा मंदिर को उनका बताए हुए रास्ते पर चल के और आगे हम लोग को बहुत कुछ करना है। तो मैं उनसे यही आशीष मांगूंगा कि सभी को ये जिस तरह आशीष के साथ सभी परिवार शांति से रह रहे थे उसी तरह रहे और उनके बताए रास्ते पर ही चलकर हम लोग रहकर समाज का निर्माण कर सकते हैं। रक्तदान शिविर जो लगा इससे बड़ा दान कुछ होता नहीं, एक एक बूंद फूंद में किसी का भी जिंदगी समरता है तो बहुत बड़ी बात है। उनके नाम में इसको करना पुण्य काम है, आगे भी इस तरह का हम लोग करते रहेंगे। मैं पुनः उनको प्रधान सुमन अर्पित करता हूँ और कम करता हूँ उनसे बताए हुए रास्ते पर ही। सरायकेला जिला आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गम्हरिया के विजयनगर में हुई चोरी की भीषण घटना मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन कर दिया है।
जियाडा स्थित एसपी कैंप कार्यालय में मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बड़ा गमरिया के विजयनगर निवासी गौतम चैटर्जी के घर बीती रात 24 अक्टूबर को घर से 10.5 लाख नकद और जेवरात की चोरी कर ली गई थी। मामले में वादी ने आदित्यपुर थाना में अज्ञात के खिलाफ कांड दर्ज किया। मामले में एसपी के निर्देश पर आदित्यपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा बोकारो जिला के पिंडरजोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम जन्मडीह में छापामारी कर कांड में शामिल अभियुक्त बप्पा चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से 6,43,000 रुपये नकद बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त बप्पा चैटर्जी के द्वारा चोरी की गई रकम में से 57,000 रुपया खर्च किए जाने की बात बताई गई है। गौरतलब है कि वादी द्वारा 10.5 लाख रुपये नकद एवं जेवरात चोरी होने का आरोप प्राथमिकी में अंकित कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद वादी द्वारा बताया गया कि चोरी गई रकम में से नकद 3,50,000 तथा जेवरात घर में ही बरामद हुए हैं, चोरी नहीं हुई है। छापेमारी अभियान में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी राजन कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, राघवेंद्र कुमार सिंह, नीतीश कुमार आदि शामिल थे। गमरिया में एक रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि एक घर है जिसमें गौतम चटर्जी रहते हैं और उनका ये कहना था कि जब वो घर में बंगाल चले गए थे पूजा के दौरान तो 10.5 लाख रुपये नकद और कुछ जेवरात थे, उसकी चोरी हो गई थी और जिसके संबंध में 25 अक्टूबर को आदित्यपुर थाना में कांड दर्ज किया गया। और इसके लिए जब ये सूचना प्राप्त हुई, चूँकि अमाउंट ये ज़्यादा अमाउंट था और जिस तरह की घटना हुई थी वो एक चुनौती थी आदित्यपुर पुलिस के लिए, और इसमें अविलंब एक टीम का गठन किया गया जिसमें इंस्पेक्टर आदित्यपुर और सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार और सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार और कुछ आरक्षी, इसमें एक टीम बना करके इसको लगाया गया और जिसमें ये जानकारी मिली कि वो इसमें जो घटना को अंजाम दिया है वो व्यक्ति जो है वो बोकारो जिला का पिंडराजोड़ा थाना का रहने वाला है। और वहाँ पे छापामारी किया गया जिसमें जो व्यक्ति है बप्पा चटर्जी जो रहने वाला है गोलिया का, पर ये पिंडराजोड़ा बोकारो में वहाँ पे छुपा हुआ था और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के उपरांत जो है कुल 6,43,000 रुपया बरामद किया गया। हालांकि इन लोगों के द्वारा जो बाकी रकम बताया गया था 10.5 लाख, बाकी के रकम इनके घर में ही बरामद हुए हैं। 3.5 लाख रुपये इनका कहीं और पे रख के इन लोग रखे थे और जो बाकी कुछ 57,000 के आसपास कमीशन है वो ये खर्च कर चुका है। तो कुल मिलाकर के पूरे रकम की बरामदगी हो चुकी है इसमें। और जो जेवरात थे उसमें से घर में ही वो जेवरात भी छुपा करके जहाँ उन्होंने रखा था वहाँ से बरामद। परसोडे स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में गुरुवार की दोपहर अचानक एक ट्रक में आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक ट्रक के पिछले हिस्से में आग पूरी तरह फैल गई थी। वहां मौजूद व्यापारियों व मजदूरों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में ट्रक के पीछे के 4 चक्के पूरी तरह से जलकर राख हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तमिलनाडु नंबर लगा ट्रक पपीता लोड कर मंडी आया था। अनलोडिंग के बाद बैक करने के दौरान वहां झाड़ियों में पहले से लगी आग के संपर्क में ट्रक आ गया। उसी दौरान ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई जो तुरंत ही फैल गई। परसुडी थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा ने बताया कि एलपी ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी थी जिसे बुझा लिया गया है। आज आंध्र प्रदेश आया एक एलपी ट्रक में जो कचरा गिरा रहा था उसमें पपीता लेके आया था, उसमें आग लग गया, कचरा में आग लगा हुआ था, जिसे स्थानीय बाजार समिति के लोगों जिसमें खास करके करण ओझा जी एवं शांति समिति के ललन जी एवं अन्य लोग सभी लोग उपस्थित हुए और तथा हम झारखंड अग्निशमन से अग्निशमन दस्ता को बुला करके ट्रक पर आग लगा पर काबू पाया गया। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी स्वयंसेवी संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने एसटीपी रक्तदान के क्षेत्र में पूरा किया 700वां एसटीपी डोनेशन। पीएसएफ के एक नए कीर्तिमान को किरणमय जयंती के उत्सव के नाम समर्पित किया गया।
प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी PSF ने SDP रक्तदान के क्षेत्र में आज फिर से एक कीर्तिमान कायम करते हुए 700वां SDP रक्तदान के आंकड़े को पूर्ण कर लिया। निरंतर मई महीने से संस्था अपनी सभी गतिविधियों को किरणमयी जयंती उत्सव के नाम समर्पित करते हुए आज विधिवत इस कीर्तिमान के साथ किरणमयी जयंती उत्सव का भी समापन किया गया। आज 3 SDP रक्तवीर योद्धा विजोन सरकार, अनिल प्रसाद एवं P रामकृष्णन जी के SDP रक्तदान के साथ पूरा हुआ 700वां SDP रक्तदान। इस पावन बेला पर रक्तवीर योद्धाओं को उनकी हौसला अफजाई हेतु उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में सीताराम डेरा थाना प्रभारी कुमार भूषण जी, MTMH के प्रशासक अमिताभ चैटर्जी, जमशेदपुर ब्लड सेंटर के GM संजय चौधरी, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निर्देशक अरिजीत सरकार, अनुभवी एवं वरीय चिकित्सक डॉक्टर लव बहादुर सिंह, डॉक्टर निर्जला झा, डॉक्टर रीता सिंह, अनुभवी एवं वरीय तकनीशियन अनूप कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार महतो, धनंजय प्रसाद उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ बहुत ही खूबसूरत 700 अंक के केक कटिंग के जरिए एवं आए हुए सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आज तीनों रक्तवीर योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर साथ ही साथ उपस्थित सभी अतिथियों एवं सभी अनुभवी तकनीशियन और डॉक्टर्स को भी इस पावन बेला पर सम्मानित किया गया। आज के मुख्य अतिथि सीताराम डेरा थाना प्रभारी कुमार भूषण जी ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड सेंटर की कार्य एवं विपरीत परिस्थिति में सदस्यों की तत्परता की भूरी भूरी प्रशंसा की। सदस्यों के रूप में उपस्थित रहे कुमारेश हाजरा, विजोन सरकार, उत्तम कुमार गोराई, किशोर साहू, अनिल प्रसाद एवं शुभेंदु मुखर्जी। बहुत ही गर्व का क्षण, फिर से एक नया इतिहास झारखंड में किसी संस्था के द्वारा यानी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सहयोग से आज संपूर्ण हुआ 700 यूनिट सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान। 2018 में संकल्प के तहत हमने जमशेदपुर ब्लड सेंटर को ये वादा किया था कि 500 SDP रक्तदान का किताब पूरा करके जमशेदपुर ब्लड सेंटर को सुपुर्द करेंगे, लेकिन जैसे ही 500 का आंकड़ा हम लोगों ने पूरा किया, उसी के साथ हम लोगों के सामने एक भीषण महामारी का संकट आया, वो है डेंगू। डेंगू से लड़ाई लड़ने के लिए जब जमशेदपुर ब्लड सेंटर ने एक आवेदन किया कि नियमित रूप से SDP रक्तदान की ज़रूरत है, तब फिर से इस अभियान में तेजी लाते हुए आज किरणमयी जन्म उत्सव को समर्पित करते हुए और इस अभियान को यानी किरणमयी जन्म उत्सव हम लोगों ने मई महीना से शुरू किया था और आज इस कीर्तिमान के साथ किरणमयी जन्म उत्सव का भी हम लोग आज समापन कर रहे हैं और 700 यूनिट का श्रेय जमशेदपुर ब्लड सेंटर के प्रशासक से लेके सभी अनुभवी डॉक्टर्स, तकनीशियन एवं उन सभी रक्तवीर योद्धाओं का जिन्होंने एक आह्वान पर दिन रात एक कर जब भी उनको बुलाया गया जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर अपना ये अनमोल रक्तदान किए, जिसके चलते कई डेंगू से पीड़ित जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे उनको एक नया जीवन दान मिला। साक्षी शीतला मंदिर में पुजारियों के दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। मनोज बाजपेयी व अन्य पुजारियों के पक्ष ने दूसरे पक्ष के धनजी पांडे, राजू बाजपेयी, विवेक पांडे और बबलू पांडे पर मनमानी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। साक्षी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर मंदिर के 9 मुख्य पुजारियों ने आरोप लगाया कि शीतला मंदिर में पिछले 5 वर्षों से दुर्गा पूजा की आड़ में समिति के सदस्यों के साथ मिलकर मंदिर की चहार दीवारी तोड़कर वहां दुकान बनाकर पैसे उगाही का खेल चल रहा है। दुर्गा पूजा में प्रशासन के व्यस्त रहने का फायदा उठाते हुए राजू बाजपेयी अपने भाइयों के साथ मिलकर रात में दुकान तैयार कर उसे अगले दिन भाड़े पर लगा देते हैं और उसके बदले मोटी रकम भी वसूलते हैं। इसकी शिकायत मुख्य पुजारियों ने उपायुक्त और SDO से की, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में वरिष्ठ पुजारी मनोज पांडे ने बताया कि मंदिर में कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही अतिक्रमण कर बनाए गए कई दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा तोड़कर सील कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ ही राजू बाजपेयी, जिनके नाम से शीतला मंदिर दुर्गा पूजा समिति का लाइसेंस है, उस लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। मुख्य पुजारियों ने मंदिर कमेटी में रिटायर्ड जज, IAS, IPS एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शामिल करने का आग्रह किया है। कहा है कि इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं होने पर मंदिर के मुख्य 9 पंडित आक्रोश रैली और अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे।
मुख्य पुजारियों ने राजू वाजपेयी पर जमीन का अतिक्रमण कर आलीशान मकान बनाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही मंदिर में निजी दान पेटी लगाने की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं धनजी पांडे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन अतिक्रमण के लेकर मामला है, इसमें राजू वाजपेयी धनजी पांडे ये लोग दुकान करीब 10 बना लिए। ये लोग अपने में एग्रीमेंट कर लिए कि आधा दुकान का पैसा तुम लो, आधा का हम ले, और वहाँ पर जो भी ब्राह्मण लोग हैं उन लोग को धमकी देना, गाली क्रॉस करना, बिजली और पानी भी बिक्री करना, ये लोग मैंने दोनों शुरू किए हैं। इसका जो कि प्रूफ है, क्या प्रूफ क्या दिखाएंगे, प्रूफ दिखाने पर तो हमको मारपीट गाली गलौज लोग करते हैं। वहाँ अपने प्रशासन जाकर देखे, जनताओं को आने पर किसी तरीके का सुविधा व्यवस्था नहीं मिलती है, इस तरीका का अशांति वहाँ पहले रहती है। सारा दुकान का पैसा ये लोग अपने लेते हैं, जो कि SDO साहब से हम लोग कितना बार कंप्लेन कर चुके हैं, और क्या गुमराह लोग करते हैं, किसी तरीके का कोई तरीका का मैंने अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला मैंने दुकान अतिक्रमण तो 3 से हो रही है, मामला तो ये लोग आपस में भी लड़ाई झगड़ा लोग किए थे, जिसके ही दुकाने का लेकर बार बार चल रही है, तो मैंने करीब 10-15 साल से चल रहा है व्यवस्था, अगर जगह दुकान बनाना घेरना करना, लेकिन दुर्गा पूजा जब आता है तो आड़ करके ये लोग अपना कुछ न कुछ बना लेते हैं इस तरीके का। उसमें पंडाल लगे रहती है, चारों तरफ किचन बने रहता है, इससे हम लोग नहीं जान सकते हैं। कोई आता भी है प्रशासनिक अधिकारी तो उन लोग को चाय पिला देना, फ्रूटी पिला देना, बैठा के गुमराह करके और भेज देना, तो इस तरीके का व्यवस्था लोग का बना हुआ है। लोग कहते हैं, राजू वाजपेयी कहते हैं कि धन जी तेरा नाम से हम आधा मंदिर कर देंगे, SDO साहब हमको लिख दिए हैं, तो लिख दिए हैं तो SDO साहब हम लोग को प्रमाणित में कर दें कि इन लोगों के नाम से कर दिए हैं, तो हम लोग भी उनका नौकर चाकर बन के जिंदगी जियेंगे। इस तरीके से मैंने क्या बोलिएगा, घर में नौकर को भी नहीं, जो भी व्यवस्था होता है वो हम लोग देता है। जुगसलाई विधानसभा बोराम प्रखंड जन वितरण प्रणाली डीलर द्वारा राशन कार्ड धारी को गाली गलौज करके भगा देने के संबंध में अंचल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और अंचल का घेराव किया गया। छोटा छिड़का पंचायत माधवपुर प्रखंड बोराम पूर्व सिंहभूम राशन कार्ड धारी द्वारा भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में बोराम प्रखंड का घेराव किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित हुए और अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि लगातार पूरे बोराम क्षेत्र में राशन का वितरण सही रूप से नहीं किया जा रहा है, विकास पदाधिकारी से जाँच करने की मांग की गई। इनमें उपस्थित परेश दत्ता, वनमाली महतो, गणेश महतो, हेवन महतो, अभिलाष चंद्र एवं काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। पूरा पूर्वी सिंहभूम में आज राशन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ ये स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में MO साहब भी नहीं बैठते हैं जब हम लोग आते हैं, क्योंकि जब उनका दिन होता है यहाँ बैठने का तो यहाँ तो नजारत रहते हैं, गायब रहते हैं, तो हम लोग शिकायत पब्लिक कहाँ किसको करेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।